सो हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. गाइज आज होली है, सो हैप्पी होली आप सभी को. मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त टाइम हो रहा है 6 बजने वाला है, और ये 6 जो है ना वो शाम का बजने वाला, सुबह वाला नहीं है. और मैंने अभी नाश्ता वगैरह किया था, नाश्ता करके चला गया था, बिल्डर के साथ मीटिंग थी उसके अंदर, फिर आया, आने के बाद फिर खाना बनाया फटाफट. आज होली है, सभी लोगों का फोन भी आ रहा है कि भाई क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो. मगर यू नो, क्योंकि कोरोना है, मुंबई में सब कुछ बंद है, तो दिस इज द फर्स्ट होली जिसमें घर में ही बैठा रहा हूँ, टीवी देख रहा था और दाल चावल बना के खाया हूँ, और कुछ भी नहीं बनाया. लेकिन अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि शाम को चिकन बनाऊँ या फिश बनाऊँ या कुछ स्पेशल बनाऊँ और खाऊँ, ताकि ये महसूस हो कि हाँ भाई आज फेस्टिवल है हमारा. मैं अभी चेक कर रहा था मेरा फ्रिज, और अनफॉर्चुनेटली देखिए फ्रिज के अंदर प्याज खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक आलू, यहाँ देखता हूँ, अनफॉर्चुनेटली फ्रिज के अंदर प्याज खत्म हो चुके हैं, बस एक आलू बचा है और 2-3 टमाटर है. अभी सुपरमार्केट को मैंने फोन किया तो बोलता है, भैया आज तो होली है ना, होली में बंद है. बोले ठीक है भाई. अब नीचे जाके देखता हूँ, क्योंकि मुंबई के अंदर अभी 7:30-8 बजे तक के सब कुछ बंद कर देते हैं. अब आज मैं सोच रहा हूँ कि अभी नीचे जाऊँगा, नीचे जाके देखता हूँ कि अगर कुछ मिल जाए, क्योंकि मेरे पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं है. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता है, मेरे घर पे चावल भी खत्म हो गया है. मतलब ग्रोसरी आज 29 कितना है भाई, हाँ आज 29 है और मंथ एंड है, सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला होता है, लेकिन होली के दिन ही सब कुछ खत्म हो गया. Quite surprising. So, अभी आया हूँ मैं अमित के घर पे. आज होली है, हम पहली बार मिल रहे हैं. Happy होली भाई. Happy होली भाई. Happy होली. पूरे दिन में अभी पहली बार मिल रहे हैं हम लोग. जिंदगी पहली बार बिना होली के लिए सोए थे. सिर्फ सोए, ये तो 2 दिन से सो ही रहा है. मैं भी सो रहा था कल, तो मैं भी पूरे दिन सो ही रहा था. क्या बात है, लौंडा एकदम गायक बन चुका है. अभी मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा ना, तो जो गार्ड वगैरह हैं उन लोगों ने भी कहा, अरे सर पूरे दिन में अभी देख रहा हूँ मैं आपको. मास्क पहन ले. हाँ मैं पहन ले रहा हूँ भाई, वो तो कैमरे से बात कर रहा हूँ इसलिए उतारा मैंने. ओके. तो गार्ड ने भी कहा कि सर पूरे दिन में अभी देख रहा हूँ मैं आपको. तो मैंने बोला हाँ, एक्चुअली कोरोना की वजह से होली वगैरह कुछ हो नहीं रहा. मुंबई में इतनी गर्मी है ना भाई, क्या बताऊं. सबसे पहले देखते हैं नीचे का क्या हाल है. मैंने नहीं लगा. क्या सेठ जी, क्या हाल चाल? हैप्पी होली. अरे आपके पास वो है क्या, सोम पापड़ी? हाँ है ना, बस 3 और नहीं है. पूरा मार्केट बंद है. और 2 लीटर दूध दे दो. कटहल बनाने आता तो मैं जरूर लेके जाता. ये सब पता है क्या, जितना भी सब्जी है ना, ये सब हरी सब्जी, ये सब घर पे मम्मी बनाती थी, हम खाते थे. अभी मेरे को बस उतना ही खाना बनाने आता है जितना मेरी जिंदगी चल जाए. मेरा पता है क्या, मैं खाना बनाना सीखा मजबूरी में, क्योंकि बाहर का खाना मैं खाता नहीं हूँ. मजबूरी में उतना ही सीखा जितना मैं सर्वाइवल हो जाए. इधर मौसम ठीक है, हमारे साइड में तो बहुत ज्यादा गर्म है. डालेंगे. गाइस आप लोग सब्जी लेने आते हैं तो बड़े लाल की दुकान पे आइए. आ गया ये है बड़े लाल. बोलिए बड़े लाल. बोलो. हाँ बड़े लाल. हाँ और बोलो मेरा. बोलो मेरे दुकान पे आओ सब्जी खरीदो. आप बोल दो ना, आप तो आप ही बोल दो तो बाद में. चलो उनके बिहाफ में मैं बोल देता हूँ, अगर सब्जी खरीदने आते हो बड़े लाल के दुकान पे सब्जी खरीदने आते, पता भी बता दे पोस्टल कोड के साथ. बहुत चुनना पड़ता है, बहुत डबल डबल चाहिए. हाँ सब डबल है. इधर इधर है, पार्टी में भी है. अभी क्या है ना, मुंबई के अंदर में इन्होंने नाइट कर्फ्यू लगा के रखा है. मुझे ये नहीं समझ में आता है कि दिन में जब लोग घूम रहे हैं और उनको कोरोना फैल रहा है, तो रात में बंद करने से क्या मतलब. रात को तो ऑलरेडी आदमी इंसान घर में रहता है. रात में तो ऑलरेडी इंसान घर में ही रहता है ना, तो फिर नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या मतलब है. दिन में कर्फ्यू लगे तब समझ में आता है कि इंसान घर में रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे तो कोरोना नहीं होगा. आई डोंट नो, ये मेरे को समझ में नहीं आया. अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए. सारा शॉपिंग करके हम लोग आ गए हैं. किसी ने आज मेरा साथ दिया है. दिन भर में निकला ही नहीं बाहर.
होली पे कुछ बोलना चाहेंगे? आज तो भी आपकी होली सर। हाँ, Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Kai. आज होली है, सबके घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बना होगा, सभी ने स्पेशल खाया है। मेरे घर पे भी लोगों ने बहुत स्पेशल खाया और मुझे फोन कर करके पूछ रही थी, दीदी ने भी पूछा, मम्मी ने भी पूछा। फिर शाम को जब मैं और विक्की मिले तो हमने प्लान किया कि चलो आज स्पेशल कुछ बनाते हैं, जिसमें हमने ये तय किया था कि हम बनाने वाले थे खीर, पनीर की सब्जी और रोटी या चावल, राइट। लेकिन फिर एक मूवी है इन टाइम, जब हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, हमने कॉफी वगैरह पिया, उसके बाद विक्की ने मुझे सजेस्ट किया कि एक मूवी है इन टाइम, उस मूवी को देखो। और भाई उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, डेट इज मजेदार है। हम उसको देखने में इतने ज्यादा मशरूफ हो गए कि भूख लग गई, तब हमें समझ में आया कि अरे यार खाना भी बनाना है। तो वी एंड अप लाइक हमने बनाया है पनीर पराठा, ये देखिए। और पनीर को हमने स्मैश करके उसको पराठा, बिकॉज दिस ऑल क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन, इसको इतने अच्छे अच्छे चीज आते हैं बनाने की, भाई साहब मैं तो बस सर्वाइवल के लिए ही खाता हूँ, इसको अच्छी अच्छी चीजें आती है बनाने के लिए। किसे हम कहेंगे? आमले के अचार के साथ। आमले के अचार, पतंजलि, वन ऑफ द बेस्ट अचार। हम लोगों का आज का डिनर है पनीर पराठा एंड आंवला का अचार। एंड हमारा क्या है विचार? क्या है? अरे वाह, ये तो राइमिंग बन गया भाई। मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए यही स्पेशल है। क्या यही स्पेशल है? बैचलर इतना बना रहा, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए?